ऑक्सीजन आपूर्ति में आई बाधा से आंध्र प्रदेश के सरकारी अस्पताल में 11 मरीजों की जान गंवानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से ये हादसा हुआ। इस मामले में सीएम ने जांच के आदेश दे दिए। यहां सरकारी रुईया अस्पताल में सोमवार देर रात आईसीयू के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति में समस्या के कारण कम से कम 11 कोविड-19 रोगियों की मौत हो गई। चित्तूर के जिलाधिकारी एम हरि नारायण ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर को फिर से लोड करने में 5 मिनट लगे, जिससे ऑक्सीजन आपूर्ति कम होने से मरीजों की मौत हो गई। हरि नारायणन ने कहा, ऑक्सीजन की आपूर्ति 5 मिनट के भीतर बहाल हो गई और सब कुछ अब सामान्य हो गया है। इसकी वजह से हम अधिक मरीजों की मौत को रोक ना सके। लगभग 30 डॉक्टरों को मरीजों की देखरेख करने के लिए तुरंत आईसीयू में भेजा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं और पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने जिला कलेक्टर से बात की और निर्देश दिए कि घटना की विस्तृत जांच की जाए। जगन ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों।